जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम समीर कुरेशी है। कलयुग के धर्म रक्षक में आप सभी लोगों का स्वागत है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिम्मेदार शख्सियत उनकी खिदमत में भी ना, सब लोग भूल जाते हैं, खासकर सोशल मीडिया के लोग, उससे मैं दरख्वास्त करूंगा कि याद रखें। तो ताजमहल भी इतना प्यारा बना हुआ वहां पर है कि आप वहां पर बैठ के देखें तो यकीन। हाँ मालूम, मुझे अच्छे से मैं फिर एक बार कहूंगा, जो लोग बाहर आगे की तरफ तशरीफ ले आए, यहाँ पर बहुत सी जगहें खाली हैं। आप तमाम लोगों का हनी शेख साहब और उनकी टीम की जानिब से इस्तकबाल किया जाता है। इस्तकबाल करते हैं, मैं हर मजहबी मामला होते हैं और मजहबी तकरीबात होते हैं, उसमें शिरकत करते हैं। मैं यामी जी से कहूंगा, ये हमारे महमूद हकीमी साहब, बिहार आवाम के, अपने बिहार के लोगों का। और मैं हनी भाई से कहूंगा कि भाई हनी भाई, आप हनी भाई खिदमत में फूलों का नजराना। हजरात, हमारी महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए हमारे मामू तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारी जिम्मेदार शख्सियत को हमारे हनीफ शेख साहब फूलों का नजराना पेश करते हुए। एक और हमारी बहन यहाँ पर आई है, उनका भी हम फूलों से इस्तकबाल करते हैं, हमारी रवायत रही है। हाँ भाई, चलिए दो और, दो और। रब्बे काबा तेरे महबूब मुस्तफा की दुआओं को कबूल फरमाता है। ऐ अल्लाह, अपने महबूब के वसीले से हमारी इफ्तार को कबूल फरमा रहे। ऐ मेरे खालिक, इस जगह पर मेरे खालिक, हम तमाम लोगों के दिलों में एक दूसरे की प्यार अता फरमा। बुग्ज, हसद, नफरत को हमारे मुल्क से, हमारे दिलों से खत्म फरमा। मेरे मौला, हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा। हमारे मुल्क में रहने वाले लिदे आपसा मुसलमानों के हवाले अता फरमा। रब्बे कदीर, जहां जहां तेरे बंदे परेशान हाल है, सबों की परेशानी का खात्मा फरमा। मेरे मौला, मुसलमान और इस्लाम का बोलबाला फरमा। रब्बे कदीर, जहां जहां मुसलमान भाई परेशान हाल है, ऐलान की तू हिफाजत फरमा, उनकी तू मदद फरमा, बेसहारों की मदद अदा फरमा। इन्होंने कभी मजहब का भेदभाव रखा ही नहीं था। तो आज जो लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं अपनी जानी से और जहाँ हैदराबाद की तरफ से हनीफ के साथ से जमीन जानी साहब है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अच्छा मैसेज दिया कि मदनपुरा की आवाम भी गंग है जमीन तहजीब को यकीन रखती है, और आइंदा भी हम हनीफ के साथ से जमीन जानी साहब से गुजारिश करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि वो जिस तरह काम करते रहे हैं अपने क्षेत्र में, अब उसको और उस कार्यकाल को और वसी करेंगे और मदनपुरा पर खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि रेशमा जानी साहब स्थिति कमेटी के चेयरमैन भी हैं और पूरे मुंबई पे वो बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। आज करोड़ रुपए का फंड उनके पास है, वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते हैं। हर नगर सेवक को जितना हो सकता है वो फंड देते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मदनपुरा से, नागपाड़ा से अपने काम को आगे बढ़ाए और अपना दायरा काम को और बसी। यशवंत यादव साहब एक सेकुलर आदमी हैं, बचपन से हम लोग देख रहे हैं उनके काम को, उनके अखलाक को, उनके काम करने के तरीके को। रात को 2 बजे भी जाएंगे उस शख्स के पास, उसका दरवाज़ा बंद नहीं मिलेगा, कोई ना कोई आपको मिलेगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। हम तो कभी भी, जब भी गए हैं, अनिल शेख साहब के साथ भी गए हैं, हम यहाँ पर तो हम लोग को बहुत
करीबी रही हैं, वो चेयरमैन थी भारत के मार्केट डिपार्टमेंट की, मतलब सेविका भी थी। तो कभी हम लोग को ये महसूस नहीं हुआ कि हम लोग किसी अजनबी के पास हैं, ऐसा महसूस हुआ कि हम अपने घर पे आए हैं। और हमेशा हम लोग को मान सम्मान मिला उस आदमी से, तो हम चाहते हैं कि वो मतलब बुराई को भी खास रखे, खास ख्याल रखे, नाम पर अपने खास ख्याल रखे और अपने काम को, अपने दायरे को वसी करें। वसी का मतलब ये है कि उस जाल को और फैलाए और हर तरफ जो है वो अपना हम सब लोगों का ख्याल रखें। और जो पहल की है अनिल सरकार ने, अमित जारू साहिबा ने, हम इनके इस पहल पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मदरपुरा में पहली बार आज इफ्तार पार्टी का मतलब इंतजाम किया गया है, तो काबिल सराहनीय है और बड़ी तादाद में यहाँ के लोग आए हैं। हम अनिल भाई को मुबारकबाद पेश करते हैं, जमनी आपा को मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे कि अपना अखिलेश हमने जो बताया बिल्कुल उनकी बातें थे, मतलब और हमारे जितने अकाउंट यादव साहब है वो किस तरह के डिप्टी लीडर है और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है और कॉरपोरेटर भी है। और अपना मैडम ही आई अपनी मैडम, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। आप जैसे कि मैडम जो आज ये जैसे कि मदनपुरा के इतिहास में मैं देख रहा हूँ कि आज आप यकीन नहीं करोगे, मतलब एक तीन सेना ऐसा तीन सैनिक ने फर्स्ट टाइम किसी ने मतलब एक इफ्तार पार्टी रखा है। और एक माशाल्लाह जो इफ्तार पार्टी का इंतजाम था और माशाल्लाह जो लोग थे काफी अच्छे अच्छे लोग, मतलब काफी लोग थे और सबको अच्छा। ताज भाई ने जो बोला है वो हर मतलब ताज भाई काफी मतलब ये हर चीज में मतलब मोहल्ला कमेटी में भी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के उनका हर चीज में सहयोग रहा है। इस बारे में मतलब अपना जो जैसे कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अनिल भाई ने, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह उन्होंने किया है। तो मैं उनको दिल से मैं उनको अपना उस चीज के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और आपको मैं अपने आप इधर आए उसके लिए मैडम टेलीफिल्म की तरफ से जम्मू लखीवी साहब को और अनिल भाई से को मैडम आपको और सभी भाई भाइयों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैडम उम्मीद आप कुछ बोलना चाहेंगे। जैसे मेरे भाई ने अभी कहा कि यामिनी यादव और यशवंत यादव सिक्योर है, मैं तो चाहती हूँ कि पूरा हिंदुस्तान आजादी के पहले जैसे सिक्योर था वैसे अब क्यों नहीं है। आजादी के पहले तो आजादी मिलने के लिए जो उसमें शहीद हुए हैं वो कोई अपने मजहब नहीं देखते थे, अपना देश देखते थे। तो आज ये क्यों है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या मैं मदनपुरा में आती हूँ और इख्तियार पार्टी में शरीक होती हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मुझे शरीक होने का मौका मिला है। जहाँ तक यशवंत यादव सर है, वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, वो अपनी तरह से हर एरिया को उन्होंने क्या बोलते हैं जिसको न्याय देना चाहिए, लेकिन अपनी पार्टी की विभाग संगति का होने के नाते मैं भी कहीं कम नहीं पड़ूंगी पार्टी के। और एक महिला करके इस वार्ड में जो मेरे काम उस वार्ड में चलते हैं वो यहाँ भी मैं चलाऊंगी और एक अलग तरह का मकाम बनाना चाहती हूँ जिसको लोग कहे कि ये हिंदुस्तानी, ये हिंदू है या मुस्लिम है। वाकई में बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है ये बारे में। और अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ हमारे साथ में उस्मान गायकवाड़ भाई जो उषा का प्रमुख है और साजिद खान साहब है, तीन वातुक से भारतीय कामगार संगठन के प्रेसिडेंट। अच्छा, और एक ही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि इतने सारे मेरे इर्द गिर्द जो मेरे भाई है तो मेरा कौन सा मतलब अलग हो गया। जैसे हमारे माशाल्लाह वो अपना फेमस है मोहल्ला कमेटी में, इसमें हर चीज में मतलब बढ़ चढ़ के भाई जो मतलब मैंने देखा हूँ हर जगह मतलब जो बोलते हैं उनकी स्पीच और माशाल्लाह मतलब बहुत ही अच्छा है। तो उनसे कुछ अपना ये मैं एक ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आज जो अनिल भाई देख रहे हैं 211 शाखा प्रमुख अपना वार्ड नंबर 211 ये इंतजाम किया है इफ्तार पार्टी का, कैसा आप मतलब कैसा आपको लग रहा है। नहीं, सबसे पहले यामिनी जी यहाँ पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में आज का मेरा अवतार हुआ है। ये इस बात की अलामत है कि हम लोग एक साथ में मिलजुल के रहते हैं एक साथ में। और ये यशवंत यादव साहब तो पिछले 15 सालों से हमारे इस इलाके में अपनी एक्टिविटी से पहचाने जाते हैं। और एक खुशी की बात तो हमारे यहाँ पर है कि यहाँ पर टूटे वाराना बात है ही नहीं, एक दूसरे के काम आना है यही अपना धर्म है। और अभी यामिनी जी ने खुद अपनी मिसाल दी है कि हमारे साथ में मिलकर और इनके इलाके में देखिए
कि आप मचाओं के इलाके में आप जाएंगे तो मचाओं गार्डन है, निशान है और वहाँ पर जो डॉक्टर रूम जो बन रहा है और आम खिदमात के लिए इन्होंने जो इंतजाम किए हैं और यही उम्मीद हम लोग नागपाड़े से करते हैं। पिछले दिनों यहाँ पर पारसी मैदान में बच्चों के फलाम के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए एक टूर्नामेंट भी रखा था फुटबॉल का, बहुत कामयाब रहा। उसमें आदित्य ठाकरे साहब भी शिरकत किए थे, पहली बार इस इलाके में वो आए थे और वो बड़ा कामयाब रहा। लोगों ने वालेहाना तौर पर इस्तकबाल किया और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारी ये दोस्ती, ये प्यार, ये खुलूस, ये इखलाक कायम रहेगा। मैंने जो बोला उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो इन्होंने एक बात बताई कि फुटबॉल के बारे में जो मतलब जो प्रोग्राम आप लोगों की सबकी दुआ से अभी फिर फाइनल में एक सवाल पूछा कि 16 घंटे अगर कोई भूखा रहता है तो कैंसर के सेल्स उसमें बढ़ते हैं, इस चीज को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर कोई कैंसर पीड़ित है तो उसको बहुत भागना पड़ता है। ये मद्देनजर रखते हुए यशवंत यादव सर और उद्धव साहब जो हमारे पार्टी के हमारे इनको माँ बाप कहा जाएगा, ऐसे उद्धव साहब है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्होंने डॉकैड में सुल्तान प्रधान सर को लेके कैंसर का जिसे हम लोग बोलते हैं अत्याधुनिक जो बोलते हैं एवरीथिंग इज देयर वो कैंसर का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तहे दिल से मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई है और बहुत ही मतलब है कि ये निकाल दिया है कि हिंदू मुस्लिम और जो भी सब धर्म मतलब एक तरह नहीं है। 11 और 212 के एक ऐसा कैंप लगा रही हूँ जो आंख चेकअप, फ्री आई चेकअप, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्स और फ्री ऑपरेशन ऑफ लेजर विथ लेजर। साजिद भाई से पूछो अपना वाजिद सेना और हनीफ भाई ने जितने अच्छे से प्रोग्राम किए उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ और बाकी जितने लोग हैं हम लोग सब हनीफ भाई को मैंने इलेक्शन में भी देखा जो हिसाब से उन्होंने मेहनत की है और हमेशा काम की थी और यशवंत यादव साहब का जो नाम लेते हैं हमेशा तारीफ करते हैं उस हिसाब से वो काम भी वैसा करते हैं। क्योंकि मैं भी बॉम्बे में रहता शिवड़ी में रहता हूँ, देगौड़ में मेरे कितने दोस्त कितने सब तो है जो जो हिसाब से इनका काम है वो तारीफ काबिल है और जिस हिसाब से उन्होंने जो बोले कि अभी नागपाड़ा बदरपुरा अभीपाड़ा जितनी जगह का वो काम करेंगे तो मुझे ये पक्का यकीन है कि वो जिस तरीके से काम करते हैं वो बेमिसाल है और आगे चल के जो अपने साथ जो काम करेंगे उसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। एक बात बोलना चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वाकई में आज मदनपुरा में जो पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है 211 और 212 के अंदर ये जो प्रोग्राम हुआ है वाकई में तारीफ काबिल है और पहली बार अगर इतने लोगों को जमा करना ये शिवसेना पार्टी के अलावा और कोई कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ इस वक्त सिर्फ मोहब्बत और भाईचारे के हिसाब से ये प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। भले शिवसैनिक लोग यहाँ आए, यहाँ के स्थानिक लोग आए, हम लोग सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और बुलाने वाले को भी हम तहे दिल से दुआ करते हैं कि आपका ये प्रोग्राम तो सक्सेस हुआ है, साथ में आइंदा साल भी आप हमें बुलाओ। और ये हमारी बड़ी बहन जो आज यहाँ पर खड़ी है ये हमारा सबूत है कि हम मिलजुल के करते, हम हिंदू या मुसलमान नहीं देखते, हम इस रमजान के अच्छे मुबारक महीने में हर किसी को शामिल करते हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो समाज का हो चाहे मुसलमान का किसी भी एरिया का हो। मैं खुद एक जोगेश्वरी से आया हूँ, शिवसेना भारतीय कामगार संगठन का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, मेरे साथ में महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, मेरे साथ में मेरे भारतीय कामगार संगठन के चेयरमैन प्रेसिडेंट साजिद खान है और भी काफी लोग मेरे साथ में आए और काफी तादाद में लोग आए यहाँ पे और जो प्रोग्राम हनीफ भाई ने किया उनको तहे दिल से दुआ करता हूँ कि यही इसी तरह हनीफ भाई को तरक्की मिलती रहे और आगे इस तरह से ये दौर चलता है। यासीन भाई अपने आप में कंजूमर है, इतने शहरों का नाम ले रहे हैं, वो शहरों के नाम के बगैर यासीन भाई टाइगर। थैंक यू सो मच भाई, मैंने बहुत अच्छी बात बोला और बहुत अच्छा लगा और काफी बड़े बड़े मतलब माता अल्लाह कीमत अपना यहाँ पे लोग थे जैसे कि काली मामू थे और अपना सोशल मीडिया के भी बहुत लोग थे, यासीन यासीन जी थे क्लब के
संपादक और अपना हमारे नुमान पुरी जी भी थे बॉम्बे प्रेस के, उसी के साथ में अपनी जो न्यूज करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।